इनके आईडी ले लो आप, ये एक मिनट डोंट रिकॉर्ड। नहीं नो प्लीज 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 प्लीज, आई एम अ डॉक्टर। हां सो मच फॉर यू गो, यू गो फॉर परमिशन, यू गो एंड डू योर ड्यूटी, यू नीड माय परमिशन टू रिकॉर्ड। स्टॉप, जस्ट यू रिकॉर्ड, स्टॉप, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर, यू नीड माय परमिशन टू रिकॉर्ड, जस्ट गेट आउट। यार बुला फोन कर पुलिस को, गेट आउट, पुलिस को फोन कर, पुलिस को फोन कर। सीसीटीवी की कोई इनके आई कार्ड तो? हां आई कार्ड। अरे ये लगी है ना आई कार्ड, इसके दे दो ना फोटो लगा के, एक मिनट में आप क्या मैं दे दूं, एक पेपर दे दो, ये लिख के दे देंगे इनकी आई कार्ड। और इसे कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना जोर। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से अस्पताल का स्टाफ जी मीडिया संवाददाता के साथ हाथापाई कर रहा है। दरअसल जी बिजनेस पिछले कई दिनों से लगातार अस्पतालों की मुनाफाखोरी और मनमाने रवैये के खिलाफ मुहिम चला रहा है, और इसी सिलसिले में एक पीड़ित परिवार की शिकायत हमें मिली, जिसके बाद जी मीडिया संवाददाता मैक्स हॉस्पिटल नोएडा पहुंचे। लेकिन हमारे संवाददाता के सवालों के जवाब देने के बजाय खुद एक डॉक्टर और वहां का सिक्योरिटी स्टाफ हाथापाई पर उतारू हो गए। आपको मालूम है ना आपका क्या हुआ है? इनके आईडी ले लो आप, ये एक मिनट डोंट रिकॉर्ड। नहीं नहीं नो प्लीज 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 प्लीज, आई एम अ डॉक्टर। हां सो मच फॉर यू गो, यू गो फॉर परमिशन, यू गो एंड डू योर ड्यूटी, यू गो एंड डू योर ड्यूटी, यू नीड माय परमिशन टू रिकॉर्ड। चलिए आपको पूरा मामला यहाँ पर बता देते हैं। दरअसल जी मीडिया संवाददाता श्रीनिवास जो है, उन्हें खबर मिली थी कि मैक्स हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत हो गई। 32 साल का वो मरीज पेट दर्द के बाद भर्ती हुआ था। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने पहले तो मरीज की मौत की खबर 5 से 6 दिनों तक दबाकर रखी, उसके बाद शव देने से पहले अपने बिल के 6 लाख रुपए मांगे। बाद में प्रशासन के दखल के बाद परिवार वालों को शव वापस दिया गया, और इसी खबर की पड़ताल के लिए जी मीडिया संवाददाता श्रीनिवास मैक्स हॉस्पिटल नोएडा पहुंचे। लेकिन अस्पताल वाले कैमरा देखते ही भड़क गए और सवालों के जवाब देने के बजाय हमारे संवाददाता पर ही हमला कर दिया। और मेरे सहयोगी श्रीनिवास इस समय हमारे साथ ज्यादा अपडेट के लिए और बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, अस्पताल की आपके साथ हाथापाई जो हुई, आखिर इस पर वो क्यों उतारू हो गए? खबर यहाँ से आ रही थी कि एक घोड़ा के रहने वाले युवक की यहाँ मौत हो गई थी। उसके परिवार वालों ने ये आरोप लगाया गया था कि अस्पताल की तरफ से 6 लाख रुपए मांगे गए थे परिवार को सब सुपुर्द करने के लिए, और उसके बाद जब इस बात पर प्रतिक्रिया लेने के लिए हम यहाँ पहुँचे, परिवार का ये भी आरोप था कि बिल को बढ़ाने के लिए मनोज के शव को 2-3 दिन तक रखा गया और बाद में बताया गया कि उसकी मौत हो गई है, जबकि परिवार वालों का कहना है कि शायद उसकी मौत पहले ही हो गई थी। जब मैं यहाँ पर आया तो ये बताया गया मुझे कि आपसे यूनिट डायरेक्टर 10 मिनट के बाद मिलेंगे। 10 मिनट के इंतजार के बाद जब वापस मैं पुनः अस्पताल में प्रवेश करने लगा तो सुरक्षा कर्मियों ने पहले मुझे गेट पे रोका, उन्होंने कहा आप रुकिए हम आपको बताते हैं। उसके बाद अंदर से आने के बाद एक डॉक्टर उनके साथ आए, उन्होंने पहले मेरे साथ बहस शुरू की और फिर उन्होंने माइक छीनने की कोशिश की, जैसी कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे सुरक्षा कर्मी थे और डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की की, मेरी माइक छीनने की कोशिश की, मेरे हाथ को ऐटा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो चिकित्सा सेवा करने का दावा करते हैं, देवता तुल्य प्रोफेशन है ये, वहां पे ये सैतानी रूप इन्होंने धारण कर लिया है। एक परिवार में एक आदमी की मौत हो जाती है, उसके शव को देने के लिए 6 लाख रुपए मांगते हैं, जब उनसे सफाई मांगी जाती है तो पत्रकारों पे हमला करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हालात हो रहे हैं। जैसे कि अभी पीछे भी आपने देखा डेंगू से पीड़ित एक बच्ची की मौत हुई, 16 लाख रुपए का बिल फोर्टिस अस्पताल में ने थमाया। उसी तरह एक बच्चे की मौत होती है, मेदांता अस्पताल जो है वो 16 लाख रुपए का बिल पकड़ाती है, और अब ये ताजा मामला जो है मैक्स
अस्पताल का है, खोड़ा के रहने वाले मनोज की मौत होती है। अब मैं यही बता रहा हूँ, मैंने एक प्रोफेशनल की तरह बहुत ही तमीज से मैं इनके रिसेप्शन पे पहुंचा था और मैंने उनसे ये गुजारिश की कि आप अपने एडमिन डायरेक्टर से हमें बात करा दीजिए। तो एडमिन डायरेक्टर तो बात करने नहीं आए, लेकिन उसके बाद ये घटना होती है और उसके बाद ये एडमिन डायरेक्टर का फोन नंबर देने तक से मना कर देते हैं। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, वैसे मुझे अभी भी लग रहा है कि शायद कोई अनहोनी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे तमाम आप पीछे देख सकते हैं, ये तमाम सुरक्षा कर्मी खड़े हैं। शायद इनको किसी तरह का निर्देश मिला हो, क्योंकि जिस तरह की बदतमीजी यहाँ पे हुई है, जिस तरह का हमला हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का ये, आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये डॉक्टर का पेशा नहीं बल्कि शैतान के पेशे में आ गए हैं। एक आदमी की मौत होती है, उसके सब उसके परिवार वालों को नहीं सौंपते हैं। मीडिया जब इनसे प्रतिक्रिया लेने आती है तो मीडिया पे हमला करते हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन हमारे इस खबर के बाद किस तरह का रुख अपनाती है। वैसे इस बात की खबर हमारे संवाददाता, जिसने पहले ये स्टोरी कवर की थी मनोज की हत्या की, उसके बाबत उसने यहाँ के CMS जो है उनसे भी बात की थी, लेकिन अभी तक CMS की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और उसके बाद ये दूसरी घटना हो चुकी है। तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार आगे अब प्रशासन जो है वो किस तरह का रुख अपनाता है। हालांकि ये चिकित्सा के नाम पर ये तो शैतानी धंधा इन्होंने चालू कर ही दिया है, चिकित्सा को व्यापार बनाते हुए गरीबों को लूट रहे हैं ये। जी श्रीनिवास, बड़ी खबर इस वक्त ये है कि अब प्रशासन ने यहाँ जांच के आदेश दे दिए हैं। सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट जो है वो दर्ज की गई थी और अब प्रशासन ने साफ कह दिया है कि मैक्स हॉस्पिटल पर इस केस के बाद यहाँ पर जांच के आदेश, यानी कि एक बार फिर जी बिजनेस की खबर का असर यहाँ पर हुआ है। जिस 32 साल के युवक की अस्पताल में मौत का ये मामला है, अब नोएडा पुलिस यहाँ पूरी की पूरी तफ्तीश करेगी, जांच करेगी ही इस पूरे ही मामले की और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी। आपने आज यहाँ मैक्स हॉस्पिटल के जो अधिकारी हैं, एडमिन डिपार्टमेंट है, उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद आपके साथ जिस तरह की हाथापाई हुई और लगातार हम ये मामला यहाँ पर उठा रहे हैं, अस्पतालों की लूट पर जी बिजनेस की मुहिम लगातार जारी रहेगी और अस्पतालों की लूट पर जी बिजनेस के बड़े खुलासे के बाद सरकार हरकत में आई। ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कई एक्शंस लिए जा रहे हैं। कल ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखकर मुनाफाखोर अस्पतालों पर सख्ती बरतने को कहा और इसी मामले में मेरे सहयोगी समीर दीक्षित ने खास बातचीत की हेल्थ मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी राकेश कुमार वत्स से। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। सर, हाल में जो देखा गया है कि निजी अस्पताल जो हैं उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो एक तरीके से लूट का केंद्र हो जा रहे हैं, इलाज में सही तरीके से इलाज न करना और फिर लंबे लंबे और बड़े बिल पकड़ा देना, इसको देखते हुए केंद्र किस तरीके के कदम उठा रहा है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम में वो भरोसा बरकरार रहे। ये बहुत ही दुखद समाचार है कि कोई हॉस्पिटल लूट का केंद्र हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि सभी मरीजों को समुचित चिकित्सा व्यवस्था मिले, उचित मूल्य पे मिले। पिछले दिनों जो ये घटना प्रकाश में आई है बहुत ही दुखद है, इसके लिए हम लोगों ने हरियाणा सरकार को अनुरोध किया है कि इसकी जांच करें, समुचित कार्यवाही करें। इसके साथ साथ ये भी एक कदम उठाया गया है कि जो अन्य राज्य सरकारें हैं वो भी इस विषय में सजग हो जाएं, उनके यहाँ भी ऐसी घटनाओं ना हो, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। तो हमारे माननीय स्वास्थ्य सचिव महोदय ने इस विषय में सभी राज्यों को एक पत्र लिखा है, उनसे ये अनुरोध किया गया है कि अपने अपने राज्यों में वो इस प्रकार की स्थिति की विवेचना करें और वहाँ के स्वास्थ्य सचिव जो हैं वो राज्यों के अस्पतालों की बैठक बुलाएं, उनके बारे में उनसे बात करें और इस तरह की घटना ना घटे इसके लिए समुचित कदम उठाएं। लेकिन सर, आप इस बात से भी इत्तेफाक रखेंगे कि ये पुराना एक्ट है जो पारित हो चुका है पर राज्य इसको अपना नहीं रहे और ये कोई एक दो साल नहीं, लंबे साल की प्रक्रिया है, ये कैसे आप इसको कोशिश करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि अंततः क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है राज्य उसको अपनाएंगे? इसके लिए कुछ तो आपको लगता नहीं कि एनफोर्सिंग टाइप का आपको रुख अपनाना होगा? स्वास्थ्य ऐसा विषय है जो पूरा पूरा राज्य का विषय है, हमारी उसमें एक भूमिका जो है सलाहकार की भूमिका है कम से कम इस एक्ट के बारे में, क्योंकि सभी राज्य अपना अपना एक्ट लाने में देरी कर सकते हैं, उनको कंसल्टेशन में टाइम लग सकता है, ये सोच के हमने सेंट्रल एक्ट बनाया था, काफी पहले बनाया था, ये बात ठीक है। कई राज्य उसको अपना भी चुके हैं, कई राज्यों ने उससे आगे बढ़ के अपना खुद का एक्ट बना लिया है, कई राज्य इसको अपनाने की प्रक्रिया में है। सभी राज्य चाहते हैं कि इस तरह की घटना कभी ना घटे और
मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जितनी हमारी सभी राज्यों से बातचीत होती रहती है, सभी चाहते हैं कि इस तरह की घटना ना घटे। वो सभी प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट से भी और सरकारी तौर पे भी सभी मरीजों की समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। और अस्पतालों की मुनाफाखोरी के खिलाफ राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है, इस पर जी बिजनेस लगातार पड़ताल कर रहा है। आपको बता दें कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2012 में ही बन चुका था, लेकिन ज्यादातर राज्यों ने इसे लागू नहीं किया। उत्तर प्रदेश भी ऐसे ही राज्यों में शामिल है। जब हमने राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट के डीजी से यह सवाल पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। यूपी वाला भी बन गया है और उस पर कुछ संशोधन होना था, उसकी कार्रवाई चल रही है, जल्दी हो जाएगा। अभी वो चिट्ठी मैंने नहीं देखी है, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जब आ जाएगा तो हम लोग एम्पावर्ड हो जाएंगे कि उस पर कार्रवाई कर सकें।